Hi guys, welcome to Ashoka English Study. Today I'll teach the basic of English. English का जो basic है, starting है, जो beginning stage है, वहाँ से start करने जा रहे हैं guys. Video पसंद आएगा, like कीजिएगा, share कीजिएगा guys. अगर new viewer है तो subscribe कर लीजिएगा. हर video आपके पास पहुँचता रहेगा guys. Daily मिलेगा आपको. और guys भागना मत. यहाँ जो है ना आपको ए टू जेड पढ़ाया जाएगा. अब दिन बेसिक से लेके हम ना जीरो से लेके हीरो तक पढ़ाएंगे गाइज. अब दिन पूरे आपको इंग्लिश आना स्टार्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा. लेकिन थोड़ा सा फॉलो मींस लाइक फॉलो मी फॉलो करते रहेंगे, ठीक है. चलिए गाइज देखते हैं. देखिए गाइज, जब भी इंग्लिश के बात करते हैं हम लोग इंग्लिश में हमेशा भागते आए हैं और भागते जा रहे हैं. लेकिन आज के बाद आपको भागना नहीं है, बस जुड़ जाना है और लग जाना है. देखना आपका इंग्लिश इजी हो जाएगा. देखिएगा गाइज, देखते रहिए. ये फर्स्ट आपका वीडियो है, ठीक है. देखिए लैंग्वेज इंग्लिश क्या है गाइज. इंग्लिश एक भाषा है. क्या है गाइज? इंग्लिश एक भाषा है. क्या है? एक भाषा है. एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज क्या है? एक भाषा है. मतलब लैंग्वेज भाषा है. और भाषा क्या है गाइज? भाषा एक साउंड होता है. क्या होता है गाइज? साउंड. अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ वो क्या है? एक साउंड है. अगर मैं ये मार्कर बोले तो मार्कर जो है ये तो वस्तु है ही है, ऑब्जेक्ट है ही है. लेकिन जो हम बोले वो क्या गया? आपके पास साउंड गया. और उस साउंड से आप समझ गए कि ये मार्कर है. अगर मैं नहीं बोलूं और आपको पूछे क्या है, आपको आप नहीं बता पाएंगे. तो ये क्या है? एक साउंड है. और ये साउंड क्या काम करता है गाइज? ध्यान दीजिएगा, साउंड है. थोड़ा सा वेट. तो चलिए गाइज देखते हैं क्या है गाइज. लैंग्वेज क्या है? एक साउंड है. और साउंड जो है, साउंड क्या है देखते हैं. जैसे एक वस्तु का नाम लेते हैं, जैसे कार का नाम ले लिए, एक ऑब्जेक्ट का नाम लिए कार. जैसे ही हम एक कार बोलें तो आपको साउंड आपके कानों में पड़ा, उसका साउंड पड़ा. कार जाके नहीं पड़ा, कार का जो साउंड था उसमें आपको कानों में जाके पड़ा, तभी आप सुने कि कार, ठीक है. तो क्या है गाइज? ये साउंड है, ठीक है. साउंड है और साउंड जाके आपके कानों में पड़ा तो हम समझ गए कि कार को बोल रहे हैं गाइज. अगर हम साउंड जो निकला वो साउंड क्या है गाइज? वो साउंड क्या है? वो क्या है? लेटर है. क्या है? लेटर्स होते हैं. वो लेटर्स जो होते हैं गाइज, लेटर्स क्या होते हैं? वो लेटर जो ए से लेके हम लोग जो पढ़ते हैं जेड तक, ए टू जेड तक, वो क्या होते हैं? लेटर होते हैं. जिसको हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं. क्या जानते हैं गाइज? अल्फाबेट के नाम से जानते हैं. जो गाइज अल्फाबेट जो होते हैं वो कितने होते हैं? आप लोग का सभी का पता है 26 होते हैं. कितने होते हैं? 26. लेकिन 26 के अंदर में जो है क्या क्या पाए जाते हैं, उसके अंदर में आपको मिलेगा दो टाइप का लेटर्स मिलते हैं. दो टाइप का क्या मिलते हैं? लेटर्स मिलते हैं. एक जो लेटर्स होते हैं, एक का लेटर है, एक का लेटर क्या है गाइज? वोवेल बोलते हैं, जिसको वोवेल बोलते हैं. और दूसरा जो लेटर्स होते हैं, लेटर होते हैं, उसको हम कॉन्सनेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं गाइज? कॉन्सनेंट बोलते हैं. और वोवेल जो कितने होते हैं और कॉन्सनेंट कितने होते हैं? वोवेल जो है 5 होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? तो ए ई आई ओ यू, ये 5 टाइप का आपको वोवेल मिलेंगे. आगे बात करेंगे कॉन्सनेंट कितने होते हैं, तो 21. जो इसमें बच जाता है उसी को हम लोग लिखते हैं. इसको लिखने के बाद जो लेटर्स बचे उस लेटर को हम लोग कॉन्सनेंट बोलते हैं. जो कॉन्सनेंट है बी से लेकर जो बचा हुआ है वो जेड तक, वो कॉन्सनेंट होते हैं. और कॉन्सनेंट में जैसे उसी में से जो दो लेटर्स होते हैं उस लेटर को नाम हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, सेमी वोवेल के नाम से जाना जाता है. क्या जाना जाता है? सेमी वोवेल. कौन कौन है सेमी वोवेल? तो डब्लू है और वाई है. ये दो जो है सेमी वोवेल्स होते हैं, जिसमें सेमी वोवेल का मतलब क्या है, ये कभी कॉन्सनेंट का रोल निभाता है तो कभी वोवेल का रोल निभाता है. गाइस सबसे पहले वाई को नहीं, जहां वाई लिखते थे वहां आई का फॉर्म दे, आई का साउंड निकलता है और साउंड देता है, ठीक है गाइस. इतना तक समझ में आ गया गाइस? यही सारे जो
कौन से ये जो लेटर, सारे लेटर दो तरीके के लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड का क्या करते हैं गाइज, एक वर्ड का निर्माण होता है। क्या होता है गाइज, एक वर्ड का निर्माण होता है। और ये वर्ड का जो टाइप है गाइज, ये वर्ड का जो अपना टाइप होता है, अपने अपने जो उसको नाम दिया गया है, अलग अलग टाइप का जो नाम है गाइज, अलग अलग टाइप का जो वर्ड्स होते हैं, वो कितने प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं, मतलब देखा जाए अगर ये दोनों मिला के एक शब्द बना, और वो शब्द जो बनेगा गाइज, वो बिल्कुल आपको क्या बनेगा, मीनिंगफुल बनेगा, मीनिंगफुल बनेगा। अगर सपोज दैट वी कैन टेक एग्जाम्पल बॉय, बॉय को हम ले लिए, बॉय मतलब लड़का, अगर इसी को हम इधर वाई लिख दिए, बी लिख दिए इस तरीके से, तो गैज इसका कोई साउंड, ये तो वर्ड है लेकिन इसका जो है गैज कोई इसका मीनिंग नहीं है। अगर मीनिंग नहीं निकलता है गैज तो उसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे, जो मीनिंग निकलेगा उसको वर्ड बोलते हैं। इतना तक समझ में आ गया होगा गैज। नेक्स्ट चलेंगे, जितने सारे वर्ड्स हम देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं गाइज, 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से, पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से हम लोग जानते हैं स्पीच, CH, ओके, SPEECH, स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं गाइज। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो समझ लीजिएगा कि इसी इसी जो इसी के जो वर्ड्स का जो कैटेगराइज कर दिया गया, वो 8 टाइप का है। वो कौन कौन है, जो 8 कैटेगराइज किया गया है, जो है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, जिसमें से 8 जो वर्ड्स को कैटेगराइज कर दिया गया, उसका पहचान दिया गया कि आप जो है नाउन है, आप जो है प्रोनाउन है, आप जो है वो जो है, कहा जाए तो उसको उसको कहा गया कि ये वर्ब है, ये एग्जेक्टिव होंगे, ये क्या होंगे, एक नाउन होंगे, एक प्रोनाउन है, एक वर्ब है, एक एग्जेक्टिव होंगे, एडवर्ब होंगे, प्रीपोजिशन होंगे, कंजेक्शन होंगे, इंट्रोजेक्शन होंगे। इस तरीके से जो 8 टाइप का जो वर्ड को कैटेगराइज करके डिवाइड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसीलिए कहा गया कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको, मतलब जो है ग्रामर को जो है ना, वो ग्रामर के जो फंक्शन के अनुसार 8 भागों में बांट दिया गया। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं 8 भागों में। आप देखेंगे क्या कि 8 भाग तो समझ गए, इतना तक तो इतने इतने होते हैं। उसके बाद इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, उसके बाद सबसे पहले आप समझेंगे कि वर्ड को ये 8 भागों में जो बांट दिया गया, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे गाइस से वर्ड, ये सारे 8 जो दिख रहे हैं, इनमें से कोई कहीं रहेंगे, कोई मतलब इस सब में से कोई वर्ड रहेगा, कोई वर्ड नहीं रहेगा, मतलब इसमें से कोई रहेंगे कोई नहीं रहेंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही सेंटेंस में 8 जो कैटेगराइज वर्ड है सब मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। कहीं भी 2 रहेंगे, कहीं 1 रहेंगे, कहीं 3 रहेंगे, कहीं 5 रहेंगे, कहीं 8 रहेंगे, कहीं 4 रहेंगे, इस तरीके से आपको कोई भी मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा, वो एक सेंटेंस में मिलेगा। तो चलिए गाइज हम सेंटेंस को आप देखेंगे कि सेंटेंस में मिलेगा कहाँ। तो बहुत सारे वर्ड्स जो मिल गया, ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे एक मिल जाता है, और मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है गाइज, एक सेंटेंस बनता है, ठीक है, एक सेंटेंस बनता है। सपोज दैट टेक वी कैन टेक एग्जाम्पल, आई गिव मी ए पेन, यहां से समझेंगे, एक यहां देख रहे हैं, एक जो है एक सेंटेंस लिखें, आई गिव मी ए पेन, क्या है कि मैं, सॉरी आई गिव मी, हाँ सॉरी यहां कर लीजिए, ही गिव्स मी पेन, वह मुझे एक पेन देता है, ठीक है, या हम यहाँ से हटा देंगे, या चलिए अच्छा ठीक, वह मुझे एक पेन देता है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए यहाँ दे देंगे, वह मुझे एक पेन दिया, ठीक है, पास्ट में कर दिया, ही गेव मी ए पेन, वह मुझे एक पेन दिया।
गाइज यहाँ देखेंगे इन सब में से कोई मिलेंगे वर्ड और कोई नहीं मिलेंगे इन सब में। तो सबसे देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे तो ही क्या है, ही एक प्रोनाउन है, ठीक है। ही क्या है, एक प्रोनाउन है। और जो गैब जो है ये क्या है, वर्ब है। और मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मतलब यह भी क्या है, एक प्रोनाउन का ही जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है गाइज, ऑब्जेक्ट है। और यह भी एक नाउन है, इसको नाउन बोलेंगे। क्या है, एक पेन क्या है, एक नाउन है। तो ये हम लोग कैटेगरीज करके देखे गाइज कि जो है एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड होते हैं उसका कैटेगराइज है 8 टाइप का, मतलब 8 तरीके का, 8 तरीके का या 8 प्रकार का जो शब्द मिलते हैं, वही शब्द जो हम लोग घुमा फिरा के जो भी बोलते हैं सेंटेंस में, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब उस सेंटेंस में जो वर्ड्स आते हैं वही सारे वर्ड्स को मिला के पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। और जो वर्ड आएंगे वो वर्ड है। अब सेंटेंस में देखेंगे ये सेंटेंस बना, अब ये सेंटेंस कैसा होगा, तो सेंटेंस किसको कहते हैं, तो ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। अब इफ़ यू वॉन्ट टू राइट राइट इन योर कॉपी, अगर आप अपने कॉपी में लिखना चाहते लिख सकते हैं, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज, एडियम्स, कुछ भी हो सकते हैं। इट इज ए विच गिव्स अस ए कंप्लीट सेंस, ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यहाँ पे देखेंगे गाइज ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ही गैव मी ए पेन, ठीक है गाइज। अगर इसमें से किसी को हटा देंगे, सपोज दैट मी नहीं रहेगा, सो सपोज दैट आप यहाँ से 1 मिनट के लिए हटाइए, तो ही गैव ए पेन। गाइज इस तरीके से लगता क्या है कि यहाँ हाउ से पूछता है, क्या बोलता है, ही गैव ए पेन, वह पेन दिया। अब इसमें हिंदी में देख रहे हैं, वह एक पेन दिया, किसको दिया, वो तो पूछा हु का रिप्लाई आ रहा है, किसको दिया। तो जैसे क्वेश्चंस उठ जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस उठता है तो वो सेंटेंस रोंग होगा, रोंग हो सकता है, रोंग होगा। तो यहाँ इसीलिए ये सेंटेंस बोला है, एक सेंटेंस जो होगा वो कंप्लीट सेंस देगा, कंप्लीट मीनिंग देगा, वही सेंटेंस कहलाता है। तो गाइज यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कि एक नाउन और प्रोनाउन और वर्ब को, तीनों को मीन्स डिफाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि यहाँ तीन चीज़ अधिकतर मिलता है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का ज़्यादातर मिलता है। अगर ये जो नाउन है ये भी नाउन है ही है, तो ज़्यादातर मिलता है, इसलिए आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीनों का करते हुए। चलिए गाइज आगे हम लोग देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आगे चलेंगे तो नाउन को डिस्कस करेंगे, नाउन जो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए देखेंगे नाउन किसको कहते हैं। आप लोग साधारण जो बचपन से ही सीख रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनिमल्स, थिंग, प्लेसेस, कोई भी एनिमल्स का नाम हो, बहुत सारे एनिमल्स का नामों को, या सिर्फ सिंगुलर ही लिख देते हैं, कोई एक एनिमल्स का नाम हो तो फिर यहाँ ए लिखना होगा, ठीक है गाइज, 1, ठीक है, इसमें भी 1, एस को हटाएंगे तो फिर यहाँ ए का यूज करेंगे, ठीक है, ए। तो कोई भी एक नेम ऑफ एनी एनिमल, ए एनिमल, ए थिंग, ए प्लेस, ए पर्सन, या स्टेट, स्टेट मीन्स अवस्था, और मूवमेंट मीन्स गति में, गतिशील, एटीसी इज कॉल्ड नाउन, ये क्या कहलाता है, ये नाउन कहलाता है गाइज, ओके। तो चलिए आगे चलेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा व्हाट इज पिंट।